रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप ईद के थर्ड डे को अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। जनाब, आज की डेट है 5th मई, डे है थर्सडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 6 मई फ्राइडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से, और आज इंडेक्स की समरी आपके सामने ओपन है। इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग दी है 45,249 के ऊपर दी है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 283 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.62% डिक्लाइन। जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 155.36 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि अपने 5 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 116.03 मिलियन उसके अबाव रहे हैं। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 45,451 के पास से दी थी, अपना जो लो पोस्ट किया है 44,656 के ऊपर किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही बेयरिश रही है और वोलेटाइल भी रही है। कंपनीज की बात करें 26 कंपनीज जनाब अप रही हैं, डाउन 68 रही हैं, अनचेंज 6 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें जनाब, नंबर 1 पे हमारे पास जो आता है वो DWH आता है जनाब, जिसने तकरीबन 229 पॉइंट इंडिया में से डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे इंडू है, जिसने 54 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। तो जनाब ये 2 कंपनीज हैं जिन्होंने इंडेक्स के अंदर डेंट लगाया है और डिक्लाइन दिखाया है। वॉल्यूमीटर्स को चेक कर लेते हैं कि फ्राइडे को कौन कौन सी कंपनीज वॉल्यूमीटर रही हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो आ रहा है वो WTL आ रहा है, जिसने 1.68 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है 1.18%। सेकेंड नंबर पे सीनर्जी है, जिसने 6.35 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, वो निगेटिव रहा है 6.48%। थर्ड नंबर पर हम नेटवर्क के जनाब, जो 7.62 रुपीज़ के ऊपर क्लोज हुआ है और अपनी निगेटिव रहा जनाब -2.56%। उसके बाद जनाब 4th नंबर पे पहले, जिसने 18.27 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा 1.33%। उसके बाद नंबर आता है जनाब PRL का, जिसने 17.24 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा 0.41%। चेक कर लेते हैं 6 मई का, तो जनाब जस्ट सिंगल कंपनी का जो है वो बोर्ड मीटिंग शेड्यूल शो हो रहा है, STCL का, जो कि कराची के अंदर मीटिंग है जनाब 3 PM के ऊपर, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो अपॉइंटमेंट चेयरमैन और बोर्ड डायरेक्टर्स है। तो इसको देखेंगे कल क्या होता है, लेकिन जस्ट सिंगल कंपनी का जो है वो बोर्ड मीटिंग है कल, इसके अलावा कोई कंपनी शो नहीं हो रही है। कि 29 अप्रैल को तो फ्राइडे था और जुम्मतुल विदा की हॉलीडे थी, तो 28 अप्रैल की जनाब जो है वो इनसाइडर ट्रांजेक्शन चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी आ रही थी वो CLVL आ रही है, इसका ट्रेंड सेल के ऊपर है, और 28 अप्रैल को इसके अंदर जो पोजीशन हुई है जनाब वो सेलिंग की हुई है, 2,80,000 शेयर्स की सेलिंग हुई है जनाब 15.63 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। मेजर ट्रांजेक्शन है, जिसके पास CLVL है तो उसको नोट करनी चाहिए। उसके बाद नंबर है जनाब IBFL का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और लास्ट जो इसकी ट्रेडिंग हुई है 300 शेयर्स की हुई है, 170 की प्राइस के ऊपर बाई हुई है। उसके बाद हम बताते हैं जनाब KTML का, तो इसका ट्रेंड भी जनाब जो है बाइंग के ऊपर है, और देखते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग डे के अंदर क्या हुआ है। बाइंग हुई है जनाब 28,42,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 64.35 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर, काबिल नोट है मेजर ट्रांजेक्शन हुई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब हमारे पास NICL का, तो इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, और देखते हैं कि इसके अंदर क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है 2,000 शेयर्स की 97.50 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर, और देखते हैं कि उसके बाद नंबर आता है TOMCL का, तो जनाब इसका ट्रेंड सेल के ऊपर है, कॉरपोरेट सेलिंग के ऊपर है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी इसके अंदर सेलिंग हुई है, 2,23,000 शेयर्स की सेलिंग हुई है 22.80 रुपये की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर आता है जनाब GHNI का, और ये ट्रेंड है जनाब इसका डिटेक्ट नहीं हो रहा है, और ये ट्रांजेक्शन है 27 अप्रैल की, तो लास्ट ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अब देखते हैं कि 28 अप्रैल को जो फाइनेंशियल रिजल्ट हुए थे उनकी क्या पोजीशन थी, उसका ओवरव्यू कर। ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हुए थे, नंबर 1 पे OGDC है, जिसकी EPS आई थी 10 रुपीज़ की, और डिविडेंड भी दिया है 1 रुपीज़ का। उसके बाद सेकेंड नंबर पर जनाब DMTX है, तो जनाब इसकी जो LPS आई 40 पैसा आई थी,
और उसके बाद STPL है जिसकी EPS 20 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब NAGC का, तो जिसकी EPS 25 रुपीज़ 7 पैसा आई थी। और उसके बाद नंबर है जनाब थल का, जिसकी EPS 16 रुपीज़ 51 पैसा आई है। और उसके बाद नंबर जनाब TSPL का है, जिसकी EPS आई है 22 पैसा। अच्छा जनाब, काफ़ी लॉन्ग लिस्ट होती है फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, तो एक मेंबर ने, मेरे व्यूवर्स ने मुझे जो है वो सजेशन दी थी कि मैं इनको डिस्कस नहीं करूं, काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाती है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं कि आप लोग ये सुनना चाहते हैं या मैं इनका व्यू दूं या ना दूं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको स्किप कर दूंगा क्योंकि काफ़ी लॉन्ग लिस्ट होती है, ठीक है ना। तो TSPL थी जिसकी EPS आई है 22 पैसा की। और उसके बाद नंबर है जनाब मरीब का, जिसकी EPS आई है 16 रुपीज़ 42 पैसा, और डिविडेंड भी दिया है आपको 10 रुपीज़ का। उसके बाद जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ जनाब वो FUDLM का हुआ है, जिसकी EPS आई है 2 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब GWLC का, जिसकी EPS आई है 1 रुपीज़ 12 पैसा, डिविडेंड वगैरह निल है। उसके बाद नंबर है जनाब आगा का, जिसकी EPS 91 पैसा आई थी, 93 पैसा इसकी EPS आई थी। और उसके बाद नंबर है जनाब रूबी का, जिसकी LPS 22 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब लोट्स का, जिसकी EPS जो आई है 17 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब PRWM का, तो जिसकी EPS 4 रुपीज़ 67 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब HGIC का, EPS 1 रुपीज़ 28 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है PMPK का, EPS 18 रुपीज़ 67 पैसा आई है, डिविडेंड वगैरह निल है। उसके बाद TPLI का नंबर है, जिसकी LPS 76 पैसा आई है। उसके बाद GTR का नंबर है, इसकी EPS 78 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब STJT का, EPS इसकी 9 रुपीज़ 95 पैसा है। उसके बाद सर्वी का नंबर है, EPS 1 रुपीज़ 6 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब KHTC का, जिसकी EPS आई है 13 रुपीज़ 59 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब UNIC का, जिसकी EPS जो आई है 1 रुपीज़ 4 पैसा आई है, डिविडेंड भी दिया है 1 रुपीज़ का आपको। उसके बाद नंबर है नेटसोल का, जिसकी EPS 1 रुपीज़ 83 पैसा आई है, डिविडेंड वगैरह निल है। उसके बाद नंबर है जनाब POML का, EPS 11 रुपीज़ 33 पैसा आई है। उसके बाद AGIL का नंबर है, EPS 3 रुपीज़ 37 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब ANL का, EPS 41 पैसा है। उसके बाद नंबर है BPL का, EPS 1 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब उसी का, EPS 1 रुपीज़ 66 पैसा आई है। उसके बाद ZIL का नंबर है, LPS 6 रुपीज़ 15 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब CSAP का, LPS 83 पैसा है। उसके बाद नंबर है AICL का, EPS 2 रुपीज़ 65 पैसा आई है। उसके बाद सीनर्जी का नंबर है, EPS इसकी जनाब 35 पैसा आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब MTL का, EPS 20 रुपीज़ 58 पैसा आई है, आपको इसने बोनस शेयर भी दिए हैं 20%। उसके बाद नंबर है जनाब HCL का, EPS 3 रुपीज़ 60 पैसा आई है। उसके बाद GVGL का नंबर है जनाब, जिसकी EPS आई है 1 रुपीज़ 99 पैसा, डिविडेंड भी दिया है 2 रुपीज़ का। उसके बाद नंबर है जनाब महत का, तो EPS 40 रुपीज़ 31 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब TSMF का, जिसकी LPS 65 पैसा आई है। उसके बाद KHTC का नंबर है, EPS आई है 13 रुपीज़ 59 पैसा। उसके बाद नंबर है पावर का, LPS 31 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब क्विज का, EPS 27 पैसा आई है। उसके बाद SPL का, LPS 90 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब KEL का, LPS 7 पैसा आई है। उसके बाद PSL का नंबर है, जिसकी EPS या LPS शो नहीं हो रही है। उसके बाद नंबर है जनाब ELSM का, जिसकी EPS आई है 32 रुपीज़ 99 पैसा। उसके बाद नंबर है THCCL का, EPS 29 पैसा आई थी। उसके बाद नंबर है जनाब किलोव का, LPS 75 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब गिलोट का, LPS 1 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब MSOT का, जिसकी EPS 7 रुपीज़ 56 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब GHGL का, EPS 2 रुपीज़ 28 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है EFUG का, EPS 4 रुपीज़ 54 पैसा आई है, डिविडेंड 1 रुपीज़ 50 पैसा का दिया है आपको। उसके बाद नंबर है जनाब DSIL का, जिसकी LPS आई है 12 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब Abbott का, जिसकी EPS आई है 14 रुपीज़ 73 पैसा।
और उसके बाद नंबर है CWSM का LPS 9 पैसा है, उसके बाद नंबर है जनाब CWSM का नंबर है और जिसकी EPSI है 9 पैसा, उसके बाद नंबर है जनाब CLVL का जिसकी EPSI है 7 पैसा, उसके बाद नंबर जनाब प्रीत का तो इसकी जो EPSI है 274 रुपीज़ 8 पैसा आई है, उसके बाद नंबर है AC का LPS 35 पैसा आई है, उसके बाद नंबर है मुगल का EPS 2 रुपीज़ 50 पैसा है, उसके बाद FTSM का नंबर है EPS 16 पैसा है, उसके बाद नंबर है जनाब GMUNSL का तो इसकी जो EPSI है 7 पैसा ही है, उसके बाद नंबर है जनाब SFPL का EPS 22 रुपीज़ 26 पैसा है, उसके बाद नंबर है गिल का EPS 2 रुपीज़ 61 पैसा आई है, उसके बाद नंबर है जनाब HATM का LPS 7 पैसा आई है, उसके बाद नंबर है जनाब NBP का EPS 4 रुपीज़ 62 पैसा आई है, उसके बाद नंबर है जनाब SOM का SSOM का तो इसकी जो EPS आई है 8 रुपीज़ 57 पैसा है, उसके बाद KHSM का नंबर है EPS 1 रुपीज़ 65 पैसा आई है, उसके बाद नंबर है जनाब अगेन ZTL का जिसकी EPSI है 12 पैसा, उसके बाद नंबर है जनाब ASL का जिसकी EPSI है 5 पैसा, उसके बाद नंबर है जनाब CFL का EPS 11 रुपीज़ 41 पैसा आई है, उसके बाद है EFUL जिसकी EPSI है 4 रुपीज़ 56 पैसा, डिविडेंड भी दिया है 1 रुपीज़ 50 पैसा का, उसके बाद नंबर है जनाब HCL का LPS 1 रुपीज़ 80 पैसा, NML है जनाब जिसकी EPSI है 9 रुपीज़ 81 पैसा, डिविडेंड वगैरह निल है, उसके बाद नंबर है जनाब DADX का LPS 1 रुपीज़ 86 पैसा, उसके बाद नंबर है जनाब पाकरी का तो इसकी EPS 1 रुपीज़ 59 पैसा आई है, उसके बाद नंबर जनाब ओसो का है तो जिसकी EPS 5 रुपीज़ 40 पैसा आई है, उसके बाद नंबर है जनाब CRTM का EPS 2 रुपीज़ 66 पैसा आई है, उसके बाद नंबर है ELCM का EPS 2 रुपीज़ 15 पैसा है, उसके बाद नंबर है जनाब MFFL का जिसकी LPSI है 2 रुपीज़ 73 पैसा, उसके बाद नंबर है जनाब बर्ग का EPS 95 पैसा है, बोनस वगैरह निल है, उसके बाद नंबर है 786 का जिसकी EPSI है 6 पैसा, उसके बाद नंबर है जनाब KOHTM का जिसकी EPSI है 2 रुपीज़ 87 पैसा, उसके बाद नंबर है जनाब IDSM का जिसकी EPSI है 9 रुपीज़ 92 पैसा, उसके बाद नंबर है PCOL का EPS 7 रुपीज़ 64 पैसा, उसके बाद नंबर है हुब पावर का EPS 4 रुपीज़ 15 पैसा की आई है, उसके बाद नंबर है PSO का जनाब EPS 69 रुपीज़ 40 पैसा है, डिविडेंड वगैरह निल है, उसके बाद नंबर है जनाब NRSM का EPS 36 पैसा आई है, उसके बाद नंबर है शिफा का EPS 4 रुपीज़ 22 पैसा आई है, 1 रुपीज़ 50 पैसा का आपको डिविडेंड भी दिया है, उसके बाद नंबर है जनाब KOHP का LPS 7 पैसा आई है, उसके बाद नंबर है जनाब सर्ट का तो EPS 5 पैसा है, उसके बाद नंबर है GATM का LPS 52 पैसा है, उसके बाद नंबर जनाब पैकेज आई का LPS 8 पैसा है, उसके बाद नंबर है STM का LPS 53 पैसा है, उसके बाद नंबर है जनाब SPLC का LPS 87 पैसा, उसके बाद नंबर है जनाब कोयल का EPS 23 पैसा है, उसके बाद नंबर है सीस का सिस्टम का तो जनाब इसकी जो EPSI है 7 रुपीज़ 71 पैसा आई है, डिविडेंड वगैरह निल है, उसके बाद PTL है जिसकी EPS 6 पैसा है, उसके बाद जनाब MQTM है जिसकी EPS 7 रुपीज़ 2 पैसा है, उसके बाद FNEL है LPS 19 पैसा की आई है, उसके बाद नंबर जनाब AGIC का जिसकी EPS आई है 9 रुपीज़ 10 पैसा की, डिविडेंड भी दिया है आपको 2 रुपीज़ 75 पैसा का, उसके बाद नंबर जनाब EFGH का जिसकी LPS आई है 55 पैसा, उसके बाद नंबर है SMBL का LPS 44 पैसा है, उसके बाद नंबर है TRG का जिसकी EPSI है 4 रुपीज़ 1 पैसा, उसके बाद नंबर है जनाब सनाई का जिसकी EPSI है 1 रुपीज़ 42 पैसा, उसके बाद नंबर है LPL का जिसकी EPS 2 रुपीज़ 76 पैसा है, ये डिविडेंड वगैरह निल है, उसके बाद INKL का नंबर है
EPA 79 पैसा है, उसके बाद जनाब FEM का नंबर है, LPS 15 पैसा है, उसके बाद पैकेज पाकिस्तान का नंबर है जिसकी EPS ₹2.52 है, ADMM का नंबर है जनाब ₹1.37 की EPS है, उसके बाद LIFE का नंबर है जनाब जिसकी EPS आई है 27 पैसा, उसके बाद नंबर यूनिटी का है इसकी EPS आई है 81 पैसा, और इसके बाद नंबर है FML का जनाब जिसकी EPS आई है 4.08 की, उसके बाद नंबर है जनाब सैनी का जिसकी EPS आई है 1.12 की, और उसके बाद नंबर है कोलगेट का जिसकी EPS 23.32 आई है, उसके बाद नंबर है जनाब RCML का EPS 78.83 की आई है, उसके बाद SFL का नंबर है जनाब जिसकी EPS 56.98 की आई है, उसके बाद नंबर है SAPT का EPS 74.72 की है, उसके बाद नंबर है जनाब डायनो का जिसकी EPS 10.34 आई है, उसके बाद नंबर है IGIL का EPS 2 पैसा है, उसके बाद नंबर है जनाब BRR का तो जिसकी EPS 5 पैसा आई है, उसके बाद नंबर है जनाब पैकेजेस का EPS 7.64 की आई है, उसके बाद नंबर है लकी सीमेंट का जिसकी EPS आई है 17.11, डिविडेंड वगैरह मिले, उसके बाद नंबर है GADT का EPS 52.82 की आई है, उसके बाद नंबर है जनाब बोक का तो EPS इसकी आई है 35 पैसा, उसके बाद नंबर है MFL का EPS 71 पैसा की आई है, उसके बाद नंबर है जनाब KSBP का EPS 29 पैसा है, उसके बाद TPLT की जो EPS आई है जनाब जस्ट 1 पैसा आई है, उसके बाद नंबर है जनाब क्विट का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LPS इसकी 3.90 की है, उसके बाद SPWL LPS EPS शो नहीं हो रही है, उसके बाद जनाब नंबर है FCCTC का जिसकी EPS आई है 65 पैसा, तो जनाब उसके बाद नंबर है JCL का EPS 22 पैसा है, उसके बाद FFC जिसकी EPS 4.90, डिविडेंड भी दिया है 3.70 का, उसके बाद नंबर है जनाब RPL का EPS 71 पैसा है, उसके बाद नंबर है जनाब FPJM का EPS 10 पैसा है, उसके बाद नंबर है UPFL का जिसकी EPS 287.04 आई है और डिविडेंड वगैरह भी निल है, उसके बाद नंबर है जनाब GHNL का जिसकी EPS आई है 91 पैसा, उसके बाद नंबर है जनाब SCL का EPS 4.31 है, उसके बाद नंबर है FABL का EPS 1.41, उसके बाद नंबर है जनाब ZHSCM का LPS 5.35 आई है, सॉरी 5 पैसा आई है, उसके बाद नंबर जनाब आउटेक्स का तो जनाब इसकी जो EPS आई है वो 49.48 आई है, उसके बाद नंबर है MCB का EPS 7.52 आई है, डिविडेंड भी दिया है 5 रुपीज़ का, उसके बाद नंबर है जनाब HTML का LPS आई है 1.79, इसके बाद नंबर है ATL का जनाब EPS 2.03 की है, उसके बाद नंबर है जनाब AKDHL का जिसकी LPS आई है 19 रुपीज़, उसके बाद नंबर है SHDT का EPS आई है 2.23, उसके बाद नंबर है जनाब ORM का जिसकी EPS आई है 58 पैसा, इसके बाद नंबर है मोडेम का जिसकी EPS आई है 78 पैसा, उसके बाद नंबर है TRSM का LPS 7 पैसा, उसके बाद नंबर है MSCL का शो नहीं हो रहा रिज़ल्ट, उसके बाद जनाब SZTM का नंबर है जिसकी EPS आई है 4.38, उसके बाद नंबर है जनाब बिलिफ का LPS 34 पैसा है, उसके बाद है डेल EPS 42 पैसा है, उसके बाद नंबर है FIBLM जिसकी EPS आई है 4 पैसा, उसके बाद BAPL का नंबर है LPS 29 पैसा है, उसके बाद FSM का नंबर है EPS 104.49 है, उसके बाद नंबर है जनाब
एआर पाकिस्तान का तो इसकी जो ईपीएस आई है 3 रुपीज़ 55 पैसा। उसके बाद नंबर है नेस्ट का एलपीएस आई है 54 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब जेप्स का ईपीएस 5 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब जेएसबीएल का ईपीएस 32 पैसा। फिर नंबर है डाक का जनाब, इसकी जो ईपीएस आई है 3 रुपीज़ 3 पैसा की आई है। इसके बाद नंबर है एआरएम का जनाब ईपीएस 74 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब एफएफएलएम का ईपीएस 1 पैसा है। उसके बाद एआरपीएल का नंबर है ईपीएस 16 रुपीज़ 53 पैसा की आई है। डिविडेंड भी दिया आपको 25 रुपीज़ का एआरपीएल ने। उसके बाद नंबर है इमेज का जिसकी ईपीएस आई है जनाब इमेज पाकिस्तान की 75 पैसा। इसके बाद टॉवल का नंबर है जनाब जिसकी ईपीएस आई है 16 रुपीज़ 1 पैसा। उसके बाद नंबर है पीपीएल का ईपीएस 7 रुपीज़ 58 पैसा की है, डिविडेंड वगैरह निल है। उसके बाद नंबर है बीटीएल का ईपीएस 156 रुपीज़ 31 पैसा है, डिविडेंड वगैरह निल है। उसके बाद नंबर है जनाब अथपा का ईपीएस 3 रुपीज़ 7 पैसा है। उसके बाद नंबर है केसीएल का एलपीएस 4 रुपीज़ 4 पैसा है। उसके बाद भाट का नंबर है ईपीएस 196 रुपीज़ 40 पैसा है, ये डिविडेंड वगैरह निल है। उसके बाद जीएचएनआई का नंबर है तो ईपीएस आई एस की 5 रुपीज़ 43 पैसा, डिविडेंड वगैरह निल है। उसके बाद एफसीएससी का नंबर है जिसकी एलपीएस आई है 23 पैसा, क्वार्टर थ्री का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद जनाब मैक फिल्म का नंबर है तो इनकी जो नाम जो ईपीएस आई है 1 रुपीज़ 48 पैसा आई है। उसके बाद नंबर जनाब सीपीपीएल का ईपीएस 4 रुपीज़ 8 पैसा है। उसके बाद केएमएल का नंबर है ईपीएस 6 रुपीज़ 27 पैसा है। उसके बाद नंबर है एसआईबीएल का एलपीएस 23 पैसा है। उसके बाद सेल का नंबर है एलपीएस 1 रुपीज़ 86 पैसा है। उसके बाद नंबर है साजियो का तो जनाब ईपीएस 41 पैसा है। फिर नंबर है जनाब एफसीआईबीएल का ईपीएस 6 पैसा है ये। उसके बाद नंबर है पी एस वाइल का तो जनाब इसकी जो ई पी एस आई है 2 रुपीज़ 27 पैसा आई है। तो उसके बाद नंबर है जनाब जे एस जी सी एल का तो इसकी ई पी एस 76 पैसा है। उसके बाद नंबर है बक्सल का ई पी एस 1 रुपीज़ 7 पैसा है। उसके बाद नंबर है एस सी बी पी एल का ई पी एस 1 रुपीज़ 82 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब एस एन बी एल का ई पी एस 49 पैसा है। उसके बाद नंबर है एफ सी सी एम का एल पी एस 6 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है एफ पी आर एम का जिसकी ई पी एस आई है 9 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब एच एल का ई पी एस 29 पैसा। फिर इसके के आन नालों का नंबर है जनाब तो उसकी जो एल पी एस आई है 77 पैसा आई है। उसके बाद डाओ का नंबर है जनाब जिसकी ई पी एस आई है 23 पैसा, आपको डिविडेंड भी दिया है 4 रुपीज़ 50 पैसा का। उसके बाद नंबर है जनाब आईसीआई का जिसकी ईपीएस आई है 20 रुपीज़ 54 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब पाकोसी का ईपीएस 2 रुपीज़ 56 पैसा की है। उसके बाद ट्रीट का नंबर है तो जिसकी एलपीएस आई है 1 रुपीज़ 35 पैसा की। उसके बाद नंबर जनाब एफएनबीएम का एलपीएस 14 पैसा की आई है। उसके बाद डीएफएमएल का नंबर है ईपीएस आई है जनाब 3 पैसा की। उसके बाद नंबर है जनाब फ़िरोज़ का ईपीएस 6 रुपीज़ 62 पैसा की। उसके बाद पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स पी एस एम सी एल पी एस आई है 5 रुपीज़ 59 पैसा की। उसके बाद नंबर है जनाब डी एस एम एल का जिसकी एल पी एस आई है 60 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब जे के एस एम का ई पी एस 9 रुपीज़ 51 पैसा। उसके बाद नंबर जनाब एफ टी एम एम का जिसकी एल पी एस आई है 30 पैसा। उसके बाद नंबर जनाब एस बी एल का जिसकी ई पी एस आई है 24 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब जी ओ सी का जिसकी ई पी एस 1 रुपीज़ 98 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है के ओ एच सी का जिसकी ई पी एस 8 रुपीज़ 9 पैसा। उसके बाद नंबर है टी एस बी एल का एल पी एस 39 पैसा है। उसके बाद नंबर है एच एफ एल का ई पी एस 1 रुपीज़ 28 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब आई एन आई एल का ई पी एस 4 रुपीज़ 7 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है एस एल एल का एल पी एस 31 पैसा है। उसके बाद नंबर है शीश का ई पी एस जनाब 8 रुपीज़ 7 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब बी आई पी एल का ई पी एस 47 पैसा की आई है। उसके बाद नंबर है जनाब एफ आई एम एम का तो जनाब इसकी जो ई पी एस आई है वो 5 रुपीज़ 68 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब आई एल पी का ई पी एस 2 रुपीज़ 54 पैसा की है, रिज़ल्ट है क्वार्टर थ्री का।
उसके बाद नंबर जनाब डाई का, DWAE का, तो इसकी जो LPS है 33 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है TGL का, तारी गिलास का, EPS 8 रुपीज़ 83 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब ओपल का, तो इसकी जो EPS आई है 1 रुपीज़ 53 पैसा की आई है, डिविडेंड भी दिया है 2 रुपीज़ का। उसके बाद नंबर है जना BFL का, EPS 2 रुपीज़ 82 पैसा है। उसके बाद नंबर है प्रेमा का, EPS 64 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब JGICL का, EPS 96 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब ASM का, LPA 3 रुपीज़ 44 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब BFMOD का, जिसकी EPS आई है 3 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब GLPL का, जिसकी EPS आई है 41 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब KHYT का, LPS 1 रुपीज़ 45 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब FCCL का, EPS जस्ट 89 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब ग्रिल का, EPS जस्ट 2 पैसा आई है। उसके बाद नंबर जनाब OML का, EPS 19 रुपीज़ 3 पैसा की आई है। उसके बाद नंबर है AKGL का, EPS 2 रुपीज़ 13 पैसा की आई है। उसके बाद नंबर है जनाब DSFL का, जिसकी LPS आई है 51 पैसा की। उसके बाद नंबर है जनाब SUHJ का, जिसकी LPS वगैरह शो नहीं हो रही है। उसके बाद नंबर है JOBP का, LPS 47 पैसा है। उसके बाद नंबर है YOW का, EPS आई है जस्ट 6 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब DCL का, EPS 19 पैसा की है। उसके बाद नंबर है PHDL का, EPS 1 रुपीज़ 94 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब TOMCL का, EPS आई है 57 पैसा। रिजल्ट है Q3 का, सेकेंड रिजल्ट है। उसके बाद नंबर है जनाब TRIPF का, EPS 6 रुपीज़ 27 पैसा आई है Q1 का, ये रिजल्ट है। उसके बाद SSGC LPS इसकी आई है 24 रुपीज़ 28 पैसा SSGC की। और उसके बाद नंबर है जनाब LTN का, जिसकी LPS वगैरह शो नहीं हो रही है। उसके बाद नंबर है जनाब JVDC का, EPS 4 रुपीज़ 37 पैसा। उसके बाद नंबर है कैश का, LPS 4 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब सिंडम का, EPS 40 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब OLPM का, तो जनाब APS वगैरह शो नहीं हो रही है। उसके बाद बाटा का नंबर है 10 रुपीज़ 71 पैसा की EPS आई है, डिविडेंड वगैरह निल है। उसके बाद इंडू का नंबर है, EPS आई है 65 रुपीज़ 11 पैसा, और आपको डिविडेंड भी दिया है 26 रुपीज़ का। उसके बाद नंबर जनाब अलाक का, तो इसकी LPS आई है 35 पैसा। उसके बाद नंबर है PSEL का, जनाब EPS जो आई है इसकी 17 रुपीज़ 71 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है गैलेक्सो का, EPS 2 रुपीज़ 90 पैसा है। उसके बाद नंबर है DMTM का, LPS 1 रुपीज़ 16 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब हम नेटवर्क का, EPS आई है इसकी 40 पैसा की, और आपको डिविडेंड भी दिया है इसने 25 पैसा का, 35 पैसा का EPS दिया है आपको, सॉरी डिविडेंड। और इसकी जो EPS आई है वो 40 पैसा की आई है। और इसके बाद नंबर है जनाब HMM का, जिसकी LPS आई है 7 पैसा की। उसके बाद नंबर है KOSE का, EPS 2 रुपीज़ 48 पैसा की है। उसके बाद नंबर है BCL का, EPS LPS 21 पैसा है। उसके बाद नंबर है MEBL का, EPS 5 रुपीज़ 66 पैसा है, डिविडेंड 1 रुपीज़ 75 पैसा का दिया है। उसके बाद नंबर है CHCC का, EPS 5 रुपीज़ 48 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब PPP का, तो EPS 67 पैसा है, डिविडेंड वगैरह निल है। उसके बाद नंबर है रूपल का, तो EPS 6 रुपीज़ 52 पैसा है। उसके बाद नंबर है मारी पेट्रोलियम, EPS 81 रुपीज़ 63 पैसा है, डिविडेंड वगैरह निल है। उसके बाद नंबर है SGF का, 1 रुपीज़ 4 पैसा की EPS है। उसके बाद नंबर है जनाब DGKC का, EPS 3 रुपीज़ 29 पैसा आई है, डिविडेंड वगैरह निल है। उसके बाद DIL का नंबर है, EPS 1 रुपीज़ 12 पैसा की है। उसके बाद DKTM है, जिसकी LPS आई है 2 रुपीज़ 71 पैसा। उसके बाद जनाब SCL है, जिसकी EPS आई है 4 पैसा LPS। उसके बाद PNSC है, जिसकी EPS आई है 72 पैसा। उसके बाद नंबर है MDTL, LPS 3 पैसा। इत्तफाक के जनाब उसके बाद EPS 27 पैसा है, डिविडेंड वगैरह निल है। NICL है, EPS 4 रुपीज़ 95 पैसा है। उसके बाद MUBT है, EPS 2 पैसा है। उसके बाद स्लाइट है SLYT, जिसकी EPS आई है, सॉरी LPS आई है 3 रुपीज़ 84 पैसा। उसके बाद नंबर है CIPL का, जनाब LPS 14 पैसा है। उसके बाद KSTM है, EPS 11 पैसा। उसके बाद
SHCIA EPS 12 पैसा, उसके बाद DWTA में इसकी आई है LPS 2 रुपीज़ 29 पैसा, उसके बाद नंबर है FYL जिसकी EPS आई है 13 पैसा, उसके बाद नंबर जनाब FSWL का जिसकी EPS आई है 5 रुपीज़ 4 पैसा, उसके बाद नंबर है जनाब DFSM का EPS 49 पैसा है LPS, उसके बाद नंबर है BWCL का 6 रुपीज़ 37 पैसा की EPS है, डिविडेंड भी दिया है आपको 4 रुपीज़ का। PIAA उसकी जो LPS आई है 9 रुपीज़ 57 पैसा की आई है, उसके बाद नंबर HTL का EPS 1 रुपीज़ 50 पैसा का, उसके बाद PGLCA EPS 59 पैसा, उसके बाद GSKCH EPS 5 रुपीज़ 25 पैसा, ICIBL EPS 9 पैसा, एयरलिंक EPS 1 रुपीज़ 16 पैसा, उसके बाद नंबर है STCL EPS 19 पैसा, TPLP जनाब EPS आई है 7 पैसा, उसके बाद नंबर है जना सॉरी LPS आई है 9 पैसा, फिर ईकोप इसकी EPS आई है 1 रुपीज़ 45 पैसा, फिर जनाब PSX EPS 12 पैसा। तो जनाब ये थे फाइनेंशियल रिजल्ट के नाम, दी एंड हो गई तकरीबन 120 फाइनेंशियल रिजल्ट से जो कि लास्ट ट्रेडिंग डे अनाउंस हुए थे वो आपके साथ शेयर किए हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम आप इनको सुनना चाहते हैं या मैं इनको स्किप कर दूं, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम होता है, ऐसा ना हो कि आप भी बोर हो जाएं। इसका डेली चार्ट ओपन है, डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जिस कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है वो है हैमर कैंडलस्टिक। हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, अपनी जो बॉटम सपोर्ट थी 44,712 की इसको टेस्ट भी किया है, और उसके बाद अपनी जो सपोर्ट थी जनाब उसको मैनेज करते हुए अपनी क्लोजिंग उसके पास की है जो कि बनती है जनाब 45,249 के पास। अच्छा जनाब, इंडेक्स ने अपने दो सपोर्ट को ब्रेक किया था लास्ट सेशन के अंदर। फर्स्ट सपोर्ट थी वो 45,016 की थी, और जो सेकंड सपोर्ट थी वो 44,713 की थी, लेकिन बाद में इनको मैनेज करके इनके अबो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए तो वही सपोर्ट्स अब दोबारा अगेन सपोर्ट बन जाएंगी, और जो रेजिस्टेंस बनेगी फर्स्ट वो 45,396 की बनेगी, और जो सेकंड बनेगी रेजिस्टेंस वो 45,675 की बनेगी। वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं वो अपने प्रीवियस सेशन से अबव रहे हैं, और यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक के साथ क्लोजिंग और प्लस अपनी सपोर्ट को मैनेज करते हुए क्लोजिंग, दोनों चीज़ें रिकवरी को फेवर कर रही हैं, और मुझे लग रहा है कि इंडेक्स के अंदर कल को आपको रिकवरी देख सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला कल का डे जो है वो पॉजिटिव होगा। आप में से काफ़ी लोग ही सोचते होंगे कि मैं अक्सर पॉजिटिव रहता हूं, तो जनाब जो मुझे नज़र आता है वही बताता हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। अब जब हैमर की इंडस्ट्री अपेयर हो रही है और आपके सामने है तो मैं क्या कहूंगा, मैं इसको यही कहूंगा कि रिकवरी को फेवर कर रही है, अपनी सपोर्ट को इसने मैनेज किया है तो मैं यही कहूंगा कि अपनी सपोर्ट को ऑनर दिया है, तो मतलब पॉजिटिव साइंस हैं, जो पॉजिटिव साइंस दिखती है मैं वही कहता हूँ, जो मुझे अपनी तरफ से कहने का कोई शौक नहीं है। चार्ट के ऊपर नेगेटिव होगा तो मैं आपको नेगेटिव बताऊँगा, चार्ट के ऊपर पॉजिटिविटी नज़र आएगी तो आपको मैं पॉजिटिव कहूँगा। तो फिलहाल मुझे जो है रिकवरी होती नज़र आ रही है, कल देखते हैं कल क्या होता है। जस्ट सिंगल सेशन है वीक का, पूरा वीक जो है वो हॉलीडेज रही हैं, बाकी कल का दिन देखते हैं, उसके बाद मज़ीद हम डिस्कस करेंगे, वो कल वीकली क्लोजिंग डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट सिंगल सेशन है तो इसलिए वीक के ऊपर डिस्कस करना इतना ज़रूरी नहीं है। तो कल के जस्ट सिंगल सेशन को डिस्कस कर लेते हैं तो आपके सामने पोजीशन है, बाकी इंशाल्लाह ताला कल देखेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर की है, बाकी शाम को एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कंप्लीट डेटा भी एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा, सेटलमेंट रेशियो और ओपन इंटरेस्ट डेटा, CPDP डेटा, और कुछ जो ख़ास डेटा हैं जो स्पेशल डेटा इकोनॉमी इंडिकेटर्स वो भी आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला सेकंड वीडियो के अंदर, लेकिन इस वीडियो को कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचा दूँ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।